दोस्तों, पिछला पार्ट यदि नहीं देखे हैं तो पिछला पार्ट देख लीजिए। उसमें हम कुछ प्रश्नों को देखे थे और अभी पार्ट हम बढ़ा रहे हैं आगे। अगला है, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है, कौन नहीं है? तो यहाँ पर शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, निम्न में कौन आहार निर्माण करता है? आहार निर्माण करता है कौन? तो इसमें देख लीजिए, आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय, हाथी, ये सब देखिए बेतुका है, नहीं मिल कर रहा है। घास, बकरी, मछली, घास को बकरी या बकरी को मछली गलत लग रहा है, लेकिन ये तो भी बन सकता है, घास को बकरी खाई और बकरी को मानव, तो ये एक आहार श्रृंखला बन सकता है। चलिए अगला, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो शीशा या कांच प्रकाशिक माध्यम है। अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं, श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अगला है, निम्न में किसका अर्थ जूल होता है? तो निम्न में किसका अर्थ जूल होता है? तो यहां पर होगा हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रो। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश है विकिरण ऊर्जा का रूप, ठीक है, प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है। उसके बाद संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संचारण उपचयन अभिक्रिया है, ठीक। उसके बाद पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 90 mmHg, ठीक है, ये प्रकुंचन दाब है मानव हृदय का। पक्षी और चमगादड़ के पंख है, पक्षी और चमगादड़ का जो पंख होता है वो क्या है? तो वो समजात अंग है। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो ये पहले भी देख चुके हैं प्रश्न है, अवतल दर्पण। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर होगा अभिकारकों का तापकरण स्थिर रहना, ये अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो ये होता है शूद्रांश यानी छोटी आंत। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करवा रहे हैं, आप इसको नोट करते जाइए। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया? तो 10 गुणों का अध्ययन किया था मेंडल ने, ठीक है। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? 7 गुणों का अध्ययन किया था मेंडल ने, 7। इसका डी आंसर जाएगा। 100 वॉट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका प्रतिरोध होता है 484 ओम, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच में संबंध क्या है? तो एफ बराबर आर बट्टे टू, ठीक है, एफ बराबर आर बट्टे टू होता है इसका संबंध। चलिए अगले पेज में हम चलते हैं, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, तो इसका होगा नाइट्रोजन, ठीक है, इसका जवाब होगा नाइट्रोजन भरी जाती है इसमें। अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं, किसी अम्लीय बिलियन का पीएच होता है तो 7 से कम होता है। बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मलाशय कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? कौन सा रक्त समूह जो है जो सबसे रक्त ले सकता है? तो वो होगा ए बी, ठीक है, ए बी ग्रुप जिसको बोलते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उसके बाद ये लास्ट पेज है इस पेज का, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वोट। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं फिर।
घाघरा पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो ये होता है लाल रंग। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, अगला है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो ये है अम्ल। ठीक है, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल इसका ट्रिक समझ लीजिए, अम्ल में होगा NL। ठीक है, NL अम्ल के लिए NL और क्षार के लिए LN। ठीक है, L नीला, नीला N से हुआ और लाल L से हुआ, NL। ठीक है, तो नीला को लाल कर देता है, तो नीला को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। चलिए अगला देखते हैं। ब्यूटेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है? तो ये है कीटोन। ठीक है, कीटोन है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें परपोषी कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, हरे पौधे इसमें परपोषी है। उसके बाद है, उत्पाद किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। मनुष्य का पूरा नाम क्या है? ठीक है, होमो सेपियंस, ये मनुष्य का पूरा नाम है। अगला है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार यानी धनात्मक तार का रंग होता है कि कैसा होता है? धार तार, ये लाल होता है। ठीक है, बोलते हैं लाल वाला तार है, ये धनात्मक होता है, काला ये ऋणात्मक होता है, माइनस वाला। समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है 25 cm। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि 25 मीटर लिखा है, cm लिखा है और मिमी लिखा है, मिलीमीटर, तो यहाँ पर 25 cm होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है? तो ये चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ये सभी होगा, सभी पर निर्भर करता है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा हम संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग होता है, कहने का मतलब ये हुआ। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है, किसको संकेत करती है? तो इसका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, यानी इसका सही जवाब होगा सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेतित करती है। उसका क्लोरीन यानी Cl की परमाणु संख्या है, तो 17 है क्लोरीन की परमाणु संख्या। उसके बाद है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है? तो 10.5 होता है। अगले प्रश्न को हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच त्रि आबंध होता है। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहां पर कथन है दिया हुआ, विद्युत जनित विद्युत चुंबक के प्रेरण पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यह भी सही है। चुंबकीय बल रैखिक परस्पर नहीं करती है। हर और अंतिम में है हरे विद्युत। ठीक है, अंतिम ऑप्शन है कि विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है, हरे विद्युत रोधन वाला तार, ये ऑप्शन इसका गलत है, गलत ऑप्शन को ही इसमें चुनना था, ऑप्शन नंबर डी। समानतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो एथेनॉल को अल्कोहल कहते हैं। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो यहाँ पर आयोडीन होगा इस ऑप्शन में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो 7। इनमें कौन फल पकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग फल पकने में हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। बस दोस्तों, कुछ ही प्रश्न आप बचे हुए हैं और उसके बाद फिर जब सीरीज आगे बढ़ेगा तो इसमें हम साइंस का करीब 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये समझिए कि इससे हट के क्वेश्चन होगा ही नहीं, इतना में से ही क्वेश्चन रहेगा।
तो ये आप समझ के इसको आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, और साइंस का ये समझिए आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये सेट है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। दोस्तों आप लोगों को धन्यवाद जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर चुंबक के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। काले चूना का रासायनिक अनुसूत्र है CaO। निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका जवाब होगा Na। उसके बाद एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, ये एल्किन का सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न इस पेज का देख लेते हैं। चलिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करती है वो क्या कहलाता है? वो जनन कहलाता है, ठीक है, वो जनन है। अगले पेज में हम चलते हैं, अब लास्ट पेज बचा हुआ है दोस्तों, आज का लास्ट पेज। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो यहां पर यूरेनियम होगा इसका सही जवाब। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो सही जवाब होगा हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6। इसका सही जवाब है B। जवाब नोट करते चलिए, प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, इसका हम PDF बना करके आपके साथ शेयर कर देंगे, और इससे संबंधित आपको एक क्विज मिलेगा जिस क्विज में आपको भाग लेना है। यदि इस क्वेश्चन को आप देखे होंगे, पढ़ लिए हो, तो फिर क्विज में आप 100% स्कोर कर पाएंगे। यदि नहीं पढ़े होंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, समूह में ऊपर से नीचे वाले नीचे जाने पर परमाणु आकार में परिवर्तन होता है, ये परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु साइज बढ़ता है, इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, समान प्रसंकुचन रक्त दाब होता है कितना होता है? तो 120 mm होता है। इस प्रकार हमारा आज का सीरीज खत्म हो गया। अब जो ही हमारे पास फिर अगला क्वेश्चन बनेगा तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और यदि आप नए आए हमारे चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल का बेल आइकन प्रेस कीजिए, और एजुकेशन से संबंधित यानी ज्ञान का खजाना आपको मिलेगा www.newsviralsk.com पर जाकर के, आप वहां से पढ़ सकते हैं। वहां मैट्रिक बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे, और इंटर आर्ट्स वाले स्टूडेंट वहाँ जाएं, इंटर आर्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से आप फायदा उठाएं। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।